पर सभाएं कर रहे हैं, अभी तक कितना रिस्पांस है, जनता का कितना साथ मिल रहा है? जनता, अम्बेडकर नगर की जनता ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है और इस बार समाजवादी पार्टी को, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि लाखों लाख वोटों से समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेगी। आज इंडिया गठबंधन की बड़ी रैली दिल्ली में आ रही थी, उसमें आम आदमी पार्टी भी काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है और उनकी, अरविंद केजरीवाल की पत्नी भी गई, उनका गिरफ्तारी भी हुआ, तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? निश्चित रूप से पूरे देश में जो श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से न्यायपालिका को, विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर करके और भारत के लोकतंत्र को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो विपक्ष में लोग हैं उनके ऊपर फर्जी केस लगाकर जेल में डालकर और जेल में साजिश करके हत्या करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसका मुंहतोड़ जवाब इस देश की जनता देगी और इस बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेगी। जेल में हत्या का मामला जो है मुख्तार अंसारी का, ये कई पार्टियां ने उठाया और जांच का विषय भी है और कह रहे हैं जांच भी करवा रहे हैं, तो इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं, ऐसा होना कहां तक सही है? उनके परिवार के लोगों ने बहुत पहले से इस बात को कहा कि हमें, और उन्होंने कोर्ट के सामने भी इस बात को कहा कि हमें यह आशंका है और निश्चित रूप से इसमें साजिश की बू आ रही है, उसकी जाँच हाई कोर्ट के जो सिटिंग जज हैं उनके मार्फत की जानी चाहिए। विपक्ष के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड को गंभीर मुद्दा नहीं बनाया जा रहा है, जनता के बीच में प्रॉपर तरीके से फेस नहीं किया जा रहा, इसमें क्या देखिए? नहीं, गंभीर मुद्दा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ट्वीट करके भी उसका उजागर करने का काम किया और जिस तरह से जो जेल में रहने वाले लोगों से भी इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में जब चंदा ले लिया तो उनके जमानत पर विरोध न करके उनको आज़ाद कराने में सहयोग किया और बड़ी बड़ी कंपनियों से किसी से 1300 1600 करोड़ तक का चंदा जो लिया है, ये भ्रष्टाचार की श्रेणी में है और निश्चित रूप से उसको मुद्दा है और जनता ने मुद्दा बनाया है। आपके साथ में राजभर जी हैं जी। सर, ओम प्रकाश राजभर जी, सर एक मिनट, एक सवाल है। ओम प्रकाश राजभर जी एक बराबर कहते रहते हैं कि राजभर समाज का जो सहयोग है, जो साथ है, वो उन्हीं के साथ है, इसको आप किस तरीके देखते हैं? अगर वो अपने पार्टी अपने सिंबल से चुनाव लड़ा लें तो खुद पता लग जाएगा कि राजभर किसके साथ कितना है। हम गारंटी के साथ कहते हैं, चूँकि पिछली बार भाजपा से गठबंधन किए तो 4 सीट जीते और फिर इधर जब उधर भाजपा से आए फिर समाजवादी पार्टी से गठबंधन किए, 17 टिकट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने दिया, तो गठबंधन के नाते उनके 6 जीत गए। एक बार स्वयं लड़ लें, अपने सिंबल से लड़ लें तो खुद उनका पता चल जाएगा। लोकसभा चुनाव में भी अपने बेटे को ही टिकट दिलवाए हैं। भाई देखिए, अब वो उनका मामला है, गठबंधन का बीजेपी का मामला है, अब उस पर हम नहीं की बात भी करते हैं। भाई भाई वो तो उनका एक ही लक्ष्य है, उनका परिवार आगे बढ़े और राजभर समाज चूल्ही भार में जाए, उससे कोई उनको लेना देना। राजभर समाज के लिए क्या कहना चाहिए? राजभर समाज के साथ साथ सर्व समाज के लिए हम अपील कर रहे हैं भाई कि लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना है, आरक्षण बचाना है, तो इसलिए एक एक और साइकिल के सामने वाली बटन दबाकर भाई लालजी वर्मा को जिताने का काम करेंगे, क्योंकि इसके पहले सर्व समाज के साथ साथ राजभरों ने बढ़ चढ़कर साइकिल पर बटन दबाया तो अम्बेडकर नगर की 5 सीट और पूर्वांचल की तमाम सीटें जो है समाजवादी पार्टी जीत कर माननीय अखिलेश जी के झोली में डालने का काम किया। तो इस बार भी बढ़ चढ़ कर अम्बेडकर नगर सहित जितने भी राजभर जहाँ पूर्वांचल में हैं, एक एक वोट और साइकिल पर बटन दबाकर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे लालजी वर्मा जी का प्रोग्राम था यहाँ पे, और जो है लालजी वर्मा जी और जो है रामाचल राजभर जी यहाँ पे एक नुक्कड़ सभा कर रहे थे। इन लोगों ने संयुक्त सभा में ये लोगों से अपील किए।